बिहार सरकार का कि उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया कि पापा 16 वर्ष से जेल में थे और इनोसेंट होने के बावजूद, तो उन्होंने इस चीज़ पे पहल की और उन्हें बाहर आने के लिए मौका दिया। तो इसीलिए सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगी सरकार का, फिर मैं धन्यवाद दूंगी सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कोर्ट के लगातार प्रेशर रहे हैं सभी गवर्नमेंट्स पे। 2020 से ही मेरे ख्याल से ये कोर्ट ने लगातार, जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जस्टिस एस के कौल जी ने, उन्होंने सभी ने लगातार ये प्रेशर बनाया है गवर्नमेंट्स पे कि जितने बैकलॉग केसेस हैं उनको आप रिलीज़ करें, जितने प्रिजनर्स हैं उनको, एक प्रिजन रिफॉर्म की ज़रूरत थी कि जिनके 14 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए। तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगी और फिर संविधान को धन्यवाद दूंगी कि हमारे जो भारत का संविधान है वो हमेशा ये स्टेट करते हैं कि कोई भी एकदम रिफॉर्मेटिव है, प्यूनिटिव नहीं है, यानी पनिशमेंट पे नहीं, रिफॉर्म्स पे ध्यान देते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार और लालू यादव की भूमिका को किस तरीके से आप देखते हैं इस रिहाई में, क्योंकि बिहार सरकार की ही तरफ से ये फैसला लिया गया, लगभग 14 वर्ष लग गए। देखिए, मैं एक एडवोकेट हूँ, आप मुझसे लीगल क्वेश्चंस पूछिए, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, पॉलिटिकल मेरी फैमिली, आप उनसे ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन मैं लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी, सुशील मोदी जी, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी नेता लोग हैं जिन्होंने इस हमारे संघर्ष में साथ दिया, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। जी, कृष्णैया के परिवार के साथ क्या स्थिति है आज? जी, कृष्णैया जी के परिवार और हमारी परिवार, दो परिवार थी जो इस केस से बिखर गई। आप जान रहे होंगे ये एक मॉब लिंचिंग का केस था, एक ये कोई डायरेक्ट मर्डर का केस नहीं था, ये अबेटमेंट टू मर्डर का केस था। मॉब लिंचिंग के केसेस आप देख रहे होंगे, प्रोवोकेशन का केस तो आडवाणी जी पे भी था पर वो बाहर निकल गए, और फिर अभी हिमाचल प्रदेश के जो एक एमपी है, जो मंत्री भी हैं अनुराग जी, उनके ऊपर भी केस हुआ है मॉब लिंचिंग का। हमने देखा कि उन्होंने शायद ऐसे कोई नारे दिए थे कि गोली मारो वाली बात, और एक नौजवान ने किसी पे गोली उठा दिया था, तो कायदे से उन पे भी केस है, पर अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो ये एक मॉब लिंचिंग का केस था, और मॉब लिंचिंग के केस में आप प्रोवोकेशन के बेसिस पे एक आदमी को, एक व्यक्ति को, निर्दोष होने के बावजूद 16 वर्ष हो गए अब तो, आप उनको जेल में रहने देते हैं, तो फिर ये एक हमारे संविधान पे एक प्रश्न चिन्ह है। तो देर ही सही, लेकिन अब जब पापा बाहर आए हैं 14 साल के बाद, हम लोग बहुत खुश हैं। आईएएस एसोसिएशन की तरफ से खबर एक सामने आ रही है कि वो लोग इस रिव्यू को फाइल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे जो बेल। जी देखिए, एक मेरे ख्याल से बहुत सारे आईएएस जो उस समय थे, जो हाजीपुर के थे, उन्होंने बल्कि हमें सपोर्ट में भी बोले, बहुत सारे आईएएस साथ में भी हैं, तो जिनको नहीं है जानकारी केस के बारे में, वो उनसे मैं यही बोलूँगी, आप एक बार केस के फाइल्स उठाइए, पहले पेज में एक पेज पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि केस में कितना कितना फ्लॉड है ये केस और कैसे फंसाया गया था। तो मैं सबसे यही अपील करूँगी कि आप ज़रूर, चाहे आप जहाँ जो भी हैं, जो भी प्रोफेशन से हैं, जो भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आप इस केस के बारे में जान रहे हैं तो एक बार ज़रूर, केस फाइल्स सब ऑनलाइन हैं, एक बार ज़रूर पढ़िए और एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाइए। आप एक बार संविधान क्या कहता है, सीआरपीसी क्या कहते हैं, आईपीसी क्या कहते हैं, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि क्या ये जो हुआ 14 वर्ष जो इन्होंने जेल में काटे, क्या ये सही था या गलत था। तो मैं उन लोगों की उस पर छोड़ दूँगी।